हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय अरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पिछले सैटरडे संडे और मंडे तीन कक्षाओं में हमने यह सीखा कि
एक आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति अर्थात एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से बैठता है। प्रश्न क्रमांक 3, किम आसीत, तो किस प्रकार से बैठता है। तो हमने इसका उत्तर श्लोक क्रमांक 58-63 इस प्रश्न का अच्छा उत्तर ढूंढा कि वह सदैव अपने इंद्रियों को खींच लेता है, इंद्रिय विषयों से अलग कर लेता है, सदैव पूर्ण चेतना में स्थिर रहता है, हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी बताए कि यदि कोई व्यक्ति जब इसे खींचने जाता है तो इंद्रियां बहुत वेगवान हैं, और यदि गलती से मन द्वारा वह विचलित हो गई और वह इंद्रियों का संयमन करता है, कहीं अगर वह नहीं कर पाता और इंद्रिय विषयों का गलती से चिंतन करने लग जाता है, तब क्या होता है। तब उस चिंतन के कारण आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम आता है, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है और उससे बुद्धि नष्ट हो जाता है, तत्पश्चात उसका पतन हो जाता है। उसका साइड इफेक्ट भी बताया कि ये किस प्रकार से गिरेगा अगर स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति लापरवाह हुआ और कहीं विषय में। अच्छा, कल मैं बोल रहा था एसेट, एसेट मतलब वस्तु नहीं होता, एसेट मतलब होता संपत्ति। अगर मैं अपने एसेट को कहूं, मैं जो शब्द यूज करना चाह रहा था एसेट का, कि वह अपनी संपत्तियों का, है ना, एसेट मतलब संपत्ति, तो वह अपने संपत्ति का, तो जैसे यह हाथ जो है यह मेरा एक एसेट है, यह मेरी संपत्ति है, तो मैं इस संपत्ति का प्रयोग भगवान की सेवा में करूंगा, लाइक दैट। हाँ, तो आज हम चौथे प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। श्लोक क्रमांक 54 में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि जो मुक्त आत्मा है, जो समाधि की अवस्था में स्थित चेतना वाला व्यक्ति है, जिसको स्थिर प्रज्ञ या आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के गुण क्या होते हैं, या ऐसे व्यक्ति या वह व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या हैं, वह दिखता कैसा है, वह बोलता कैसा है, और किम ब्रजेत, वह चलता कैसा है, तो कैसे चलता है। तो आज हम इस चौथे प्रश्न का उत्तर श्लोक क्रमांक 64 से 71 तक, 64-71 इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे, है ना, कि वह चलता कैसे है। ओके, तो आते हैं श्लोक क्रमांक 64 पर। राग द्वेष विमुक्त तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादं धिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। वंस मोर, ध्यान से सुनिएगा। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। यस प्लीज पढ़िए वन बाय वन, पढ़िए रोहिणी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्यः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। वाह, एनीवन एल्स? यस कहिए। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरान विषयान सॉरी सॉरी प्रभु राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरान आत्मा वैश्य विषयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु। यस कौन सी माता जी? अच्छा पढ़ी गौतम हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। राग द्वेषे विमुक्ते तु विषयानिन्द्रियशरण आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जय यस गौतम। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियशरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरी हरी। यस और कोई? और कोई अपनी बोलने की क्षमता बढ़ाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्लीज। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विषय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यस थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राग आसक्ति द्वेष वैराग्य से विमुक्त है, मुक्त रहने वाले से तू, लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवैश्य अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता। अनुवाद, किंतु देखिए हम किस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। हमेशा ना पढ़ते समय ध्यान रहना चाहिए कनेक्ट कहाँ से। अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं कि वह क्या करता है, कौन से प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। चौथा प्रश्न, किम ब्रजेत, वह चलता कैसे है, अर्थात इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है, कैसे चलता है आत्मसंयमी व्यक्ति। विषय आ गया तो उत्तर कैसे देगा, क्या करेगा, इस प्रश्न का उत्तर है ये। मान लीजिए चलता कैसे, मतलब आत्मसंयमी व्यक्ति इंद्रिय विषयों से आसक्त हो जाएगा तो नहीं चलेगा ना। चलने के लिए कुछ तो तरीका होगा कि विषयों से आसक्त न हो।
तभी तो आगे बढ़ पाएगा, तभी तो उसका जीवन आगे होगा आत्म साक्षात्कार वाला जीवन, नहीं तो आत्म साक्षात्कार ही कहेगा, मुक्त जीव कहेगा। चौथा प्रश्न है, किम ब्रजेत, चलता कैसे है एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, अब विषय सामने आ गया तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, इस प्रश्न का हम उत्तर ढूंढ रहे हैं। कहते हैं यदि उसके सामने विषय आ गया तब क्या होगा, तो कह रहे हैं राग द्वेष विमुक्त है सो, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे एक व्यक्ति जब विषयों का चिंतन करता है तो वह कैसे आसक्ति में फंसता है, कैसे काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, और क्रोध उस क्रोध के कारण उसे मोह हो जाता है, मोह से वह अपनी स्मरण शक्ति खो देता है, स्मरण शक्ति खोने से उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, तत्पश्चात उसका पतन हो जाता है। इसलिए अगला शब्द प्रयोग हो रहा है किंतु, भगवान क्या प्रयोग कर रहे हैं, बोले ऐसा, लेकिन अगर व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ है, आत्म साक्षात्कारी है, तो ये नहीं होगा। किंतु कह रहे हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की, मतलब राग और द्वेष से मुक्त हो और इंद्रियों को संयमन करने का प्रयास करे, तो वह भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। वाइस वर्सा, ऐसा समझें कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे राग और द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होना चाहता है तो भगवान से कृपा की याचना करनी होगी। देखिए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि कोई व्यक्ति बिना भगवान की सेवा के इस राग द्वेष से मुक्त होना चाहे, पॉसिबल नहीं। तो यहां भगवान कह रहे हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन भक्त क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं यदि व्यक्ति को अपने इंद्रियों का संयमन करना हो तो भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए। कोई व्यक्ति कहेगा, ये एक्चुअली उस तरह की बात हो गई कि मैं पूर्ण शुद्ध होऊंगा तब भगवान की भक्ति करूंगा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, बोले भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, तो आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे। हाँ, एक तथ्य इसमें सत्य है जो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य के पहले लाइन में लिख रहे हैं। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम रूप से, बाहरी रूप से अपने इंद्रियों का संयमन कर लेता है और ऐसे संयमन के बाद, कोई पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य जी पढ़िए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम वृद्धि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यस, यद्यपि पूर्णतया समझ कृष्ण भावना रहे भावित हैं? व्यक्ति एक ऊपर मिनट से, बैठ, है ना, कितना सुंदर पॉइंट है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों को रोकना कृत्रिम विधि से संभव हो सकता है, लेकिन तब तक जब तक मशीन लगी हो, तब तक जब तक आपके ऊपर कंप्लीट सुपरविजन हो, लेकिन जब तक इन इंद्रियों को
एक हायर टेस्ट न दिया जाए, अर्थात इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में न लगाया जाए, तब तक वह कभी भी पुनः उन विषयों में आसक्त हो सकती है। इसलिए जब व्यक्ति इंद्रिय संयमन के लिए निकले तो भगवान से बार बार कृपा की याचना करनी चाहिए, है ना। यस, पढ़िए आगे प्रोजेक्ट। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। बस 1 मिनट, अब ध्यान से सुनिए। कई बार भक्त भी बाहर जाकर अलग-अलग कार्य करते हैं। बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं, क्या प्रभु आप सबसे बोलते हो आप भक्ति करो भक्ति करो, आप भी तो काम कर रहे हो, आप भी तो इतने लोगों से जाकर मिलते हो, ये करते हो, फलाना करते हो, ढिकाना करते हो। हाँ, बाहर से व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है कई बार, किंतु कभी भी वह उन विषयी कर्मों में आसक्त नहीं होता। वह कर्म करने जाता है किसके लिए? कृष्ण के लिए। और सही मायने में उसका कर्म और एक विषयी व्यक्ति के कर्म दोनों एक ही कार्य कर रहे हो, लेकिन दोनों में से एक कार्य कार्य है और दूसरा कार्य भक्ति है। जस्ट लाइक दैट, बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो पढ़ाते होंगे, जो घर बनवाते होंगे, जो ऑफिस में काम करते होंगे, जो फैक्ट्रीज में जाते होंगे, लेकिन एक भक्त जब इन समस्त स्थानों में जाता है तो वो वहां जाकर के उस कर्म फल को भगवान को देने के लिए सोचता है। इसलिए उसका कर्म अपने आप दिव्य बन जाता है। इसलिए दोनों के कार्यों में बहुत अंतर है। एक कार्य कृष्ण भावनामृत है, जिसे आप भक्ति कहते हैं, और एक कार्य विषयी कार्य है जो उसके लिए भव बंधन में गिरने वाला होगा, जन्म मृत्यु में फंसाने वाला होगा। तो इसलिए दोनों कार्यों में अंतर है। क्यों? क्योंकि उसके एक भक्त के हर कार्य का एक ही उद्देश्य कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, किंतु एक कर्मी के हर कार्य का उद्देश्य मेरा विषय जीवन कैसे संपन्न हो, मेरी इंद्रियां, मेरा परिवार, मेरा पेट कैसे पले। दोनों में अंतर है। कार्य समान लेकिन डिजायर डिफरेंट है ना, इच्छाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वह समस्त प्रकार की आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कृष्ण हमारे ऑनर है और हम एम्प्लॉय, हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कृष्ण ऑनर है और हम एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय के जीवन में ऑनर के प्रॉफिट और लॉस का कोई इफेक्ट नहीं है। ऑनर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं तो एम्प्लॉय हूं, मेरे मेरा पालन करना कृष्ण का काम है। तो इसलिए उस कर्म के फल से न तो आसक्ति और न विरक्ति, क्योंकि यह दोनों चीजें कृष्ण के लिए, फल कृष्ण का है तो उस फल से मेरा क्या लेना देना, मेरा काम, मेरा एफर्ट, मेरा कार्य, मेरा कर्म, यह मेरा है ना। किंतु उसके उस कर्म के फल से न तो आसक्ति है और न ही विरक्ति है। यह कौन करेगा? यह कौन करेगा? एक भक्त करेगा जो भगवान की सेवा में लगा होगा, है ना। यदि कृष्णा चाहे
यदि कृष्ण चाहें तो हम किसी भी प्रकार का अवांछित, मतलब जो मेरी इच्छा न हो, वह भी मैं करूंगा। अर्जुन की लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्ण चाहते थे लड़ाई करो, तो अर्जुन ने बोला ओके, इफ दिस वॉर इज योर डिजायर देन आई विल डू। तो भगवान की इच्छा अनुरूप कर्म करना, यह भक्त का ध्येय है, यही भक्त का लक्ष्य है। कई बार मेरा मन हो कोई कार्य करने का, लेकिन मुझे पता है कृष्ण ये नहीं चाहते, तो हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान पूर्वक चीजों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण चाहते क्या है, कृष्ण की इच्छा क्या है, यदि उनकी इच्छा है यह करना है, मेरी इच्छा न भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यस प्लीज प्रभुजी आगे। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कोई अंतिम लाइन समझाएगा क्या कह रहे हैं भगवान? किसी को समझ में आया क्या बोल रहे हैं शिला प्रोपाद? शिला प्रोपाद कह रहे हैं इन सब का कंक्लूजन यह है कि कर्म करना या न करना यह उसके वश में है। किसके वश में? एक भक्त के वश में। लेकिन वह अपने जीवन का हर एक क्षण भगवान के निर्देशन में, भगवान के आज्ञा अनुसार करना चाहता है। आप सबको भी भगवान आकर आज्ञा देते होंगे, राइट? सभी को उन्होंने अपनी आज्ञा स्वरूप यह श्रीमद् भगवद गीता और शास्त्रों में जीवन के निर्देशन दे रखे हैं। तो अब हमको फॉलो करना है या नहीं करना है, यह तो हमारे वश में है। अंतिम यही बात भगवान की अहेतुकी कृपा है कि भक्त अपनी बुद्धि अननेसेसरी नहीं लगाता, बिल्कुल आर्मी वाली बुद्धि रहता। भगवान ने बोला फायर, तो लिए बंदूक को धड़ाधड़ दाग दिए। यह भगवान की, भक्त के लिए भगवान का आदेश सर्वोपरि है। अच्छा, कह रहे हैं यह यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो भगवान किसी व्यक्ति पर भी कृपा कर सकते हैं। आपके जैसे कोई व्यक्ति हृदय से चाहता है कि मैं भक्ति करूं, लेकिन क्या करे, वह इतना विषयों में आसक्त है कि वह प्रयास करता है लेकिन उठ नहीं पाता, तो भगवान उसके ऊपर अहेतुकी कृपा करते हैं, किसी भक्त को उसके पीछे लगा देते हैं। आसक्त है लेकिन भगवान की अहेतुकी कृपा हो गई तो उसको उठाने के लिए पीछे भक्त लग जाते हैं। यह भगवान की अहेतुकी कृपा है। कितने व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गए? हम सब गधे हैं, स्पेसिफिकली मैं। तो भगवान ने हमारे पीछे भक्तों को छोड़ दिया, बोले जाओ और जाकर धीरे धीरे क्योर हो जाओ, धीरे धीरे क्योर और प्योर दोनों हो जाओ, अपने भव रोग से भी आपको मुक्ति मिल जाए और शुद्ध भी हो जाओ, क्योंकि सबके सब कैसे हैं, हम सब दूषित हैं। तो इसलिए यदि भक्त इंद्रियों में आसक्त भी है तो भी आसक्त होते हुए भी भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है, यह दिखाई देगा आपके एफर्ट से। यदि आप एफर्ट करेंगे तो आपको इसकी कृपा प्राप्त हो जाएगी।
ओके नाउ नेक्स्ट, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? नहीं समझ में आया? यस रोहिणी नंदन प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी, ये कृत्रिम विधि का थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे प्रभु जी? शुरू में लिखा है ना प्रभुपाद जी ने, किसी व्यक्ति को नशा छुड़ाना हो और उसको रिहेब सेंटर में डाल दिया जाए, ये कृत्रिम विधि है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल विधि है ये। क्योंकि जैसे ही नशा मुक्ति केंद्र से वो बाहर आता है, वहां तो उसको एक रूम में डाल दिया जाता है, जैसे कुछ मांगता है तो खूब पीटा भी जाता है, जबरदस्ती खिलाया जाता है। अब डर के मारे व्यक्ति रिहैब सेंटर में बोलता है, नहीं नहीं अब बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नशा नहीं करूंगा, बिल्कुल आज के बाद बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू दारू सब बंद। बाहर आता है तो कुछ दिन तक डर बना रहता है, जैसे मौका मिला कि अब तो घर वाले भी मान गए, अब तो मैं वहां से भी बाहर हूं, वह फिर से दारू पीना शुरू कर देता है। ये कृत्रिम विधि है, क्योंकि जब तक व्यक्ति बाह्य रूप से अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहता है, जैसे बच्चों को माता पिता के निगरानी में मोबाइल न देखने देना, तो बच्चे कृत्रिम विधि है, पापा देख रहे हैं इसलिए मुझे मोबाइल नहीं देखना, जैसे पापा गए कमरा लॉक फिर देखो मोबाइल, कृत्रिम विधि थी रोकने की, पापा की सुपरविजन थी, पापा की आंखें मुझ पर गड़ी थी इसलिए मोबाइल हमने यूज नहीं किया। एक शुगर पेशेंट जिस हाँ मान लीजिए जिसको जिसके ऊपर सुपरविजन लगा दिया जाए कि भाई ये खाए तो इसको रोकना, ये मीठा ना खाने पाए, तो जब तक उसके ऊपर निगरानी थी तब तक उसने मीठा नहीं खाया, जैसे निगरानी मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी, जैसे आंखें उधर हुई उसने गुलाब जामुन निकाला अंदर, तो ये कृत्रिम विधि। ओके ओके श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्व दुख खानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वंस मोर, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वंस अगेन, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कोई ट्राई करना चाहेगा? यस प्लीज गौतम बुद्ध प्रो। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरि यस एनीवन एल्स? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरी हरी बहुत सुंदर। नेक्स्ट वन। हरे स्वरूप, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसा हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे हरी बोल। कृष्णा प्रभु जी। प्रसादे हरे कृष्ण में सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्वतिष्ठते। हरे कृष्ण।
अरे बोल, ओके। और कोई? ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति, मैंने दूसरे लाइन को दो भागों में तोड़ा है, तो शांति के बाद जो र है, र हटेगा और वहां विसर्ग आएगा, तो वो शांति ही हो गया, इसलिए मैंने वहां शांति ही कहा। बाकी मैं श्लोक से ही पढ़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि वहां वो एक साथ लिखा हुआ है, तो दो भागों में मुझे विभक्त करना था। संधि विच्छेद है ये, है ना, संधि पहले कर दी गई है, तो संधि विच्छेद मैंने किया, और संधि विच्छेद किया तो र हट गया, जैसे विच्छेद किया तो शांति ही हो गया, अब र का कहीं पर वहां सर नहीं है, तो उसके बाद क्या आ गया, अशांतस्य। तो अब फिर से पढ़ते हैं, नास्ति बुद्धिर, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। वन सेकेंड, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। भगवान कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी, है ना, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। श्लोक नंबर 65 में भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार कृष्ण भावना मित्र से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन से त्रिताप, कौन से तीन ताप हैं, बताइए, उत्तर दीजिए, भगवान कौन से तीन ताप हैं, बताइए बताइए। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। यस, तीन ताप हर व्यक्ति को सताते हैं। तीन ताप कौन कौन से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। यह तीन ताप है जो सदैव, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में तुष्ट हो, उसके लिए संसार के यह तीनों ताप क्या हो जाते हैं, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और बहुत शीघ्र ही वह अपनी बुद्धि को क्या कर लेता है, स्थिर कर लेता है। किसकी बात कर रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में है। अब अगला, जो अगला है, तो इस श्लोक नंबर 65 के तीन भाग हैं। पहला भाग है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति के लिए तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि स्यो जायते। दूसरा भाग, प्रसन्न चेत सोहयासु, ऐसी तुष्ट चेतना होने पर बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हाँ, पहला ताप नष्ट हो जाते हैं, दूसरा यदि ऐसी तुष्ट चेतना हो, दुष्ट नहीं ना, तुष्ट मतलब संतुष्ट पता चला, दुष्ट चेतना समझ ले, तुष्ट चेतना, है ना, सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस, है ना, तो ऐसी अगर तुष्ट चेतना हो, तो ऐसी तुष्ट चेतना होने पर क्या होगा, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाएगी। अब
नास्ति, पहला शब्द क्या है? न अस्ति, नहीं हो सकती। क्या? बुद्धि, दिव्य बुद्धि किसकी? तो कह रहे हैं अयुक्तस्य, जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में भगवान से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि क्या हो सकती है? उसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती। न च युक्तस्य भावना, और न ही उसका मन स्थिर हो सकता है। न च भाव्यतः शांति, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और अशांतस्य कुतः सुखम, तो सोचिए बिना शांति के सुख कैसे संभव है। मन शांत न हो, मन शांत न हो, अब इसको समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। आपका मन शांत नहीं है, मन बड़ा व्यग्र है, और आपको एसी रूम में 56 भोग के साथ जो जो आपको इंद्रिय सुख चाहिए सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, बस मन शांत नहीं है। शरीर के लिए सब कुछ दे दिया गया, बस आपका माइंड पीसफुल नहीं है। मजा आएगा नहीं? भगवान कह रहे हैं शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है, समझ में? अब न सुख, शांति और आनंद तीनों एक क्रम की चीज है। जब तक आनंदित नहीं होगा तब तक शांति नहीं आएगी, और जब तक शांति नहीं आएगी तब तक सुख नहीं आएगा। सुख सबसे हायर हो गया, तो सबसे पहले व्यक्ति, अब समझिएगा, अब ना इसको मैं दूसरे तरीके से, कीर्तन में नाचकर आनंद आता है, आनंद आया क्यों? क्यों कीर्तन में नाचे तो आत्मा को भोजन मिला। आनंद किसको आया? आत्मा को। आनंद से शरीर का या मन का कोई लेना देना नहीं था, जो भी कारण हो, बोले आनंद आया। बोले मिला क्या? बोले वो सब नहीं पता, बस आनंद आया। कीर्तन में क्या मिला पता नहीं, लेकिन आनंद आया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का भोजन था। हमको पता नहीं चलता कि मिल क्या रहा है, क्यों भगवान के सामने अच्छा लग रहा है, क्यों मैं इतना मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, वो सब आपको नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि हम आत्मा को फील नहीं कर पाते, लेकिन आनंद फील कर पा रहे, बोले अच्छा लग रहा है, तो वो आनंद है। वो जब आनंद आता है तो माइंड कहता है हाँ नाउ आई एम वेरी पीसफुल, बोले अब मेरा मन नहीं भटक रहा, कोई बात नहीं, फला व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया बिजनेस में, फला व्यक्ति ने मेरे जीवन के साथ खेल लिया, कोई बात नहीं, मैं आनंदित। तो ये शांति है। आनंद के कारण क्या आया? व्यक्ति जब बहुत स्ट्रेसफुल होता है तो ये मंदिर में आता है, तो मंदिर में उसको शांति नहीं मिलती, उसको आनंद मिलता है, उस आनंद के कारण वो पीसफुल हो जाता है। अब अंततः जब भगवान का महाप्रसाद आ जाए तो बोले हाँ मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, क्या करूं, इतना स्ट्रेस है, इसने मेरे जीवन के साथ खेल लिया। अब जैसे प्रसाद मिला तो उसे आत्म सुख मिला। अगर शांति नहीं होती, बाहर ले जाकर आप उसको कुछ खाने को देते बिना आनंद और बिना शांति के, तो झुंझला जाता, बोले मुझे नहीं खाना ये खाना, आप ही जाओ और खा लो। क्यों? क्योंकि शांति और आनंद नहीं था। जब आनंद और शांति आई तो सुख अब अपने आप डाइजेस्ट होने लगा। पहले भी सुख पहुंचाने आप गए थे लेकिन वो सुख लेने को तैयार नहीं था, समझ में आया? ऐसा लग रहा है मैंने कोई ऐसी गंभीर बात कर दी, सबकी मुद्राएं देख के तो डर लग रहा है। हाँ वैसे गंभीर बात ही, लेकिन समझने की बात है ना? तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न मन स्थिर होता है, और इन दोनों के बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और जिसके जीवन में शांति न हो उसमें उसे सुख कैसे मिल सकता है? अच्छा शांति कोई माता जी नहीं ना पता चला उठा के ले आओ, बोले प्रभु जी ने कहा है कि शांति ले आओ सुख मिल जाए, शांति को मत उठा के लाना भैया, अशांति हो जाएगी पूरी, है ना? तो इसलिए कौन सी शांति है तो समझ सकते हैं आप।
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती, इसलिए पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। 5:29 पढ़ लीजिएगा, होमवर्क है। इसकी पुष्टि की गई है इस बात की। कई बार लोग हमको गाली देते, बोले क्या प्रभु जी आप सेकेंड चैप्टर का 66 श्लोक बता रहे हो, बोल रहे हैं 5:29, अभी तो हम वहां पर पहुंचे नहीं। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं इस जो शब्द है, इस शब्द को बड़े जोर देकर वहां समझाया गया है। आप चाहो तो वहां से भी इस रेफरेंस को ले सकते हो, कैसे इसको प्रूव करेंगे, है ना? ठीक है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है, हाँ क्या, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, कृष्ण के अलावा कोई दूसरे भोक्ता नहीं हो सकते। क्या कहते हैं 5:29 में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। यह 5:29 में है। यदि आप यह मान ले कि आप भोक्ता नहीं है, भोक्ता एकमात्र केवल श्री कृष्ण है, तो सारा टेंशन खत्म। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि कोई ऐसा मान लेता है तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित में नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, रोज उसका मन बदलता रहेगा। हमारे मन का एक ही लक्ष्य है, किसी तरह भगवान आप प्रसन्न हो जाइए, आपके सुख के लिए करेंगे। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, कभी उसको बंगला मोटर कार दिला दे तो सब कुछ चाहिए। अब सब कुछ चाहिए तो उसकी सब कुछ चाहने की तो कोई सीमा नहीं है। आज अपने पड़ोसी से अपना कंपैरिजन करता है, परसों उसके बगल वाले से, फिर उसके बाद टाटा से, बिरला से, तो इससे, तो उससे, सबसे अपना कंपैरिजन करने लगेगा। मतलब उसके मन का कोई अंत नहीं होगा। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी और सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। शांत कौन है? कृष्ण भक्त। और जो कृष्ण भक्त नहीं है वो सदैव अशांत और दुखी है। क्यों? क्योंकि वह सदैव अपने लिए कार्य करता है, और कृष्ण भक्त बोले जो होगा वह कृष्ण का होगा, तो उसके लिए कोई टेंशन है ही नहीं। कई बार लोग दिखावा करते हैं, प्रभु जी मैं खूब पूजा करता हूं, मैं भी बहुत आध्यात्मिक हूं, मैं भी ध्यान करता हूं 2.5 घंटे बैठकर। किसका? माया का। माया का ध्यान करोगे तो अशांति रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति बाहरी रूप से अपने आप को आध्यात्मिक दिखा सकता है, टीका लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो शांत नहीं हो सकता। शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो उसके लिए आपको कृष्ण भावना भावित होना होगा। बाकी किसी के भी फॉलो, बाकी भगवान के अलावा किसी के भी फॉलो शांत नहीं होते, बड़े गुस्से वाले होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, है ना? वो सिर्फ आध्यात्मिक होने का दिखावा कर सकते हैं। और भक्तों के अंदर यह शांत रहने का गुण अपने आप आ जाता है, यह अलग से लाना नहीं पड़ता, मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती शांत होने की, अपने आप यह परिवर्तन होता है हरिनाम लेते लेते। सोचिए हम सब अपनी अपनी कुछ समय पहले का जीवन सोचिए, महीना, 2 महीना, साल, 1.5 साल, क्या स्थिति थी। आज हम ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा, अपने आप, मतलब दूसरे के फटे में क्यों टांग डालना। क्योंकि भगवान से संबंधित होने के साथ ही ये गुण, ये दिव्य गुण अपने आप एक व्यक्ति के अंदर विकसित होने लगते हैं, अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आया? श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यस, क्वेश्चन ले सकते हैं यदि आप लोग चाहें। मैं चाह रहा था कि अभी ये पूरा क्लास मैं ही लूं, ये पूरा क्लास, मतलब
ये चैप्टर, क्योंकि अभी बहुत गुहे बातें चल रही हैं। यदि आप लोग परमिशन दे तो बस आप लोग उठा देना मुझे, ताकि मैं आपके सामने आके बैठ जाऊं। तो अभी श्लोक नंबर 72 तक मैं लेता हूं, देन आप लोग आगे कंटिन्यू कीजिएगा, चलेगा? थैंक यू। नो क्वेश्चन? ओके, अच्छी बात है। ऑन टाइम मैंने क्लास खत्म किया, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो रहा है? नहीं, मेरा क्लास लेने में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड ठीक हो रहा है? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से श्लोक नंबर 5:27 पढ़िएगा। 5:27, 5:29। मुक्ताराम यक्तप शाम किसमें है? 5:29 में, राइट? 5:29 पढ़िएगा, बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे फेवरेट श्लोकों में से एक। मेरे हर दूसरे तीसरे क्लास में ये श्लोक आ जाता होगा, किसी न किसी तरह हम घुसा ही देते हैं। क्या है, ज्यादा श्लोक आते नहीं है, जितना आते हैं उसी को डाल दो कहीं ना कहीं से, नहीं? तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, आप लोग को भी कहीं ना कहीं डालने के लिए अच्छा लगेगा, कहीं भी डाल दीजिएगा, सब जगह सेट हो जाता है। भगवान को जब सबसे ऊपर श्रेष्ठ स्थित करना, जब भगवान की महिमा गानी, भगवान के विषय में बताना हो, भक्तों से उनका संबंध बताना हो, अपने कर्म का नियम बताना हो, अपने आप को कर्म से दूर करना हो, सब प्रश्नों का उत्तर यह एक श्लोक है। जीवन में शांति कैसे लाई जाए, मतलब मैं बता रहा हूं कि इतने विषय हैं जिसका उत्तर एक श्लोक में है। इसलिए मैंने बोला कि मेरे लगभग सब हर कक्षा में मैं ये श्लोक में फिट कर सकता हूं। आप कोई भी टॉपिक दो, मन में शांति कैसे लाए, मन को कंट्रोल कैसे करें, डिप्रेशन दूर कैसे हो, तनाव कैसे दूर हो, मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर एक श्लोक में। 5:29 बहुत महत्वपूर्ण। आप सोचिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। चलिए अब प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर आपको एक श्लोक से दूंगा। अलग अलग प्रश्न पूछिए, कोई भी प्रश्न, अभी आपका प्रश्न नहीं, जनरल क्वेश्चन, एक एक प्रश्न पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगा एक ही श्लोक से। प्रभु जी, हम जैसे भौतिक जीवन में कार्य करते हैं तो कार्य करना क्यों जरूरी है? इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं इससे? कार्य करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नौकर हैं और भगवान स्वामी हैं, तो स्वामी के लिए हमें कार्य करना है, क्योंकि भोक्ता एकमात्र कृष्ण है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, और हम जो कार्य कर रहे हैं वो यज्ञ है, तो यज्ञ का फल किसे देना है? परम भोक्ता को, और वो कौन है? श्री कृष्ण। अरे बोल, ठीक है, आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, जनरल प्रश्न बताइए, कोई भी प्रश्न, अब टफ से टफ प्रश्न लेकर आइए, मैं उसका उत्तर इसी श्लोक से दूंगा, मैं रेफरेंस यही दूंगा। 5:29 पर वो जैसे फैमिली में अनबन रहता है, फैमिली मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाती है, तो उसको फिर इसमें कैसे, मतलब इससे कैसे करेंगे प्रभु जी इस टाइप का? आप बताइए कि यदि फैमिली फैमिली में अनबन तब होती है जब व्यक्ति अपने आप को अहंकारी, अपने आप को भोक्ता मानने लग जाता है कि मैं इस घर का मुखिया हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैंने ये कार्य किया। माताजी घर में कहेंगे कि मैं घर चलाती हूं, मैं घर के सारी जिम्मेदारियां, नहीं जबकि भगवान कह रहे हैं कि आप तो केवल कर्म करते हो,
यज्ञ तप साम, आप केवल यज्ञ और तप करते हो, फल का काम तो मेरा है, तो ये आपके लिए कैसे परेशानी का विषय हो सकता है। इसलिए भगवान का यह श्लोक याद रखना चाहिए, भुक्ता राम यप्त साम सर्वलोक महेश्वरम, और मैं ही सभी लोकों का महेश हूं। यदि आपका घर भी एक लोक है तो उस घर का भी स्वामी मैं हूं, आप नहीं। तो लड़ाई की तो कोई प्रश्न नहीं है, लड़ेंगे तो भगवान ना, भगवान को लड़ने दीजिए, हमारा काम तो यज्ञ करना है। और यदि घर में शांति चाहिए तो आज के आज क्या कहे, सुहृदं सर्वभूतानां, जो समस्त जीवों के परम हितैषी हैं। न तो हितैषी मैं आपका हो सकता, न आप मेरे, परम हितैषी हम दोनों के कौन है, कृष्ण। तो चलो कृष्ण की सेवा करते हैं, तभी जाकर ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, तभी हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो घर में अनबन है मतलब अशांति आ गई, शांति चाहिए तो क्या करते हैं, परम सुहृद के पास जाते हैं और उनकी जाकर सेवा करते हैं और जाकर उनको समस्त भोगों को अर्पित करते हैं। ठीक है, 99.99% क्वेश्चनों का उत्तर एक श्लोक में। ठीक है, इसलिए हर कंडीशन के लिए ये श्लोक जो है वो बैठ जाता है, बस उत्तर आपको देना है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।